तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। I'm sorry, बाजपेयी जी, सुबह सुबह आपको डिस्टर्ब किया। वो आकांक्षा मैडम का पासपोर्ट रह गया, वो लेने आ। ओ, तो शहर का कचरा देश के बाहर जा रहा है। अच्छा है, कम से कम लोग खुल के सांस तो ले पाएंगे। बदबू नहीं आई। रुकिए आप। मैडम से कहिएगा, जैसे मरे हुए इंसान की सारी चीजें हटा देते हैं ना घर से, वैसे मैंने उसकी सारी चीजें हटा दी हैं, लौट के ना आए, ठीक है? यस। रुकिए आप, रुकिए। खुली। अपने वैभव सर से कहिएगा, उनके सारे गिफ्ट्स उनकी उसके कचरे के साथ लौटा दिए मैंने, ठीक है? बाजपेयी ने मैडम के पासपोर्ट के साथ उनका बचा हुआ सारा सामान भी दिया है। गुड, काम करो, उनका पासपोर्ट रख लो, बाकी की सारी चीजें, सारा सामान जो भी है ना, उसे उनका जो बंगलो है ना, वहां जाके डंप कर दो। मुझे ऐसी कोई भी चीज यहाँ आसपास नहीं चाहिए जिससे मेरी कामना को उसकी पुरानी जिंदगी याद आए, और ये बात आकांक्षा को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? राइट सर। लगता है डैडा ने लंच भी बाहर से मंगवाया है, सुबह का ब्रेकफास्ट भी रेस्टोरेंट से आया था। मामा शूटिंग पे गई है इसलिए। पता है मामा मुझसे बिना मिले, बिना बाय बोले फर्स्ट टाइम गई है। कोई नहीं, आ जाएंगी, रिलैक्स। तुमने ये तो समझाया था कि एक बच्चे को उसके पेरेंट्स की बहुत जरूरत होती है। अब यथु को ही देख लो ना, कितना खुश रहता है, क्योंकि तुम और आकांक्षा बेस्ट एग्जांपल हो कि एक कपल को कैसे रहना चाहिए। दादा, दादा, ऑमलेट चल रहा है। अरे वाह, आज तो तुम्हारे डैडा ने एक नई डिश बना डाली, स्क्रैम्बल्ड ऑमलेट। आपको पक्का कुकिंग आती है ना? ओए कोई शक, एक बार ट्राई तो करो सर जी, आ जा। डैडा, इसमें तो एक का शेल है। सॉरी 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 बेटा, आप तब तक ना दूध दियो, है ना? ये लो। बिल्कुल भी नहीं पसंद। आपको नहीं पता क्या, मां मुझे मलाई निकाल के देती है। ठीक है ना यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, आप डैडा पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सैंडविच खाओ, चलो सैंडविच खाओ। डैडा, इसमें तो टमाटर, मुझे टमाटर बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे क्यूकम्बर सैंडविच पसंद है। डैडा, आपको कुछ भी नहीं पता, मम्मा को तो सब आता है। क्या बेटा, तब से आप चिड़चिड़ कर रहे हो, एडजस्ट नहीं कर सकते थोड़ा अपने डैडा के साथ? डैडा,
लेकिन मुझे आपका फूड नहीं पसंद, तो मैं उसमें क्या करूं? आपको खाना बनाना नहीं आता क्या? मम्मा जब आएंगी तो उनसे सब सीख लेना। मम्मा को भी जाने से पहले सोचना चाहिए था कि आप मेरा ध्यान नहीं रख पाओगे। बेटा तुम्हारी मम्मा ने बिना सोचे समझे जाने का फैसला कर लिया, इसमें मैं क्या करूं? कर तो रहा हूं मैं कोशिश बेटा। एक्चुअली वो आकांक्षा का फोन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कि आपने मामा को ऐसी जगह शूट पे क्यों भेजा जो मुझे एक बार भी फोन नहीं कर पाई। ये माया यथु के सामने कुछ बक ना दे, यथु को बताना दे कि आकांक्षा हमें छोड़ के उस वैभव के पास चली गई है। नहीं बेटा, मैंने आपकी मामा को शूट पे कहीं नहीं भेजा। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं है कि वो किसी और शूट पे गई। बेटा वो किसी और शूट पे गई है, माया आंटी की अलग शूट है। मैं आकांक्षा को बता दूंगा, फोन कर ली ठीक है? पापा! ला पापा मैं उठाता हूँ। अरे अगर ये उठाओगे तो तुम्हारे लिए जो मैं गिफ्ट्स लेकर आया हूँ वो कौन उठाएगा? वाओ पापा गिफ्ट्स, आई लव यू पापा। आई लव यू टू। और विनय के लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है, मैं दिखाता हूँ। वाह पापा, कुल्फी, आई लव यू पापा। और एक मम्मी के लिए। मेरे लिए भी। थैंक यू। आपकी बहुत याद आ रही है, डैडा भी पहले जैसे नहीं रहे। प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है मम्मा। प्लीज मम्मा जल्दी आ जाओ। मानव, मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। ये तो तुमने साफ कह दिया कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।